Now in this case given function is e to the power 1 by x minus 1 divided by e to the power 1 by x plus 1 at x is equal to 0. x is equal to 0 पर इसकी लिमिट चेक करनी है, तो फिर देखिए अब x is equal to 0 पर इसका बिहेवियर काम पर है, LHL और RHL दोनों चेक करते हैं. Now LHL, right? Left hand limit. Left hand limit को हम लोग क्या लिखेंगे? This is equal to limit x tend to 0 minus, right? और सिंपली इसको लिख सकते हैं ऑफ एफ एक्स, और इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंड टू जीरो ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जीरो पर है तो जीरो माइनस एच. ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ, राइट. अब चलिए फंक्शन यहां पर जीरो माइनस एच का वैल्यू निकालेंगे फंक्शन पर क्या हो जाएगा. देखिए दिस इज सिंपली e to the power, अब x के जगह क्या लिखेंगे, 0 minus h, तो 0 minus h actually क्या हो जाएगा, x के जगह minus h, तो ये क्या हो जाएगा simply, this is limit h tend to 0, h tend to 0, ये क्या हो जाएगा, e to the power, ये देखिए 1 by, और ये कितना हो जाएगा, 0 minus h, तो 1 by minus h, right, this is e to the power, एक्स का वैल्यू रख दिया 0 माइनस एच, तो ई टू द पावर 1 बाई माइनस एच, राइट. और माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये भी वही हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1, राइट. अब देखिए इस चीज को यहां लिख रहे हैं, इसी चीज को यहां लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एच टेंड टू 0. अब देखिए ये क्या है, इसको सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कि e टू द पावर माइनस 1 बाई एच है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई e टू द पावर एच, e टू द पावर माइनस 1 बाई एच है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच, ये हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस 1 बाई एच है, तो इसको 1 अपॉन e टू द पावर 1 by h लिख सकते हैं, राइट. माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e टू द पावर 1 by h प्लस 1. अब ये देखिए यहां से हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा. नाउ यहां पर h टेंड टू 0 है, जब h टेंड टू 0 होगा तो 1 by h क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई 1 by h टेंड टू इंफिनिटी, जब h टेंड टू 0 होगा तो 1 by h क्या हो जाएगा, infinity, or and this imply that e to the power 1 by h, ye kya ho jayega, this will be equal to e to the power infinity, which is equal to infinity, right. Jab e ka power 1 by h infinity ho jayega to 1 upon e ka power 1 by h, ye kya ho jayega, this tend to 0. This imply that dekhiye yahan se ye aa gaya ki 1 by e टू दी पावर 1 अपॉन 1 बाई एच, इसका वैल्यू आ गया 0. जिससे देखिए ये चीज है e टू दी पावर 1 अपॉन 1 बाई एच, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 0 माइनस 1 एंड दिस इज 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो दिस इज देखिए माइनस 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1, राइट. तो हमारा क्या आ गया, LHL इज इक्वल टू माइनस 1, राइट. अब चलिए हम ये करते हैं कि RHL, नाउ इसी को हम लोग करते जाते हैं, RHL में क्या हो जाएगा, क्या चेंजेस होगा, h टेंड टू 0 प्लस हो जाएगा fx, और ये f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, राइट. यहां तक हम लोग आ गए. अब देखिए f का वैल्यू, अब यहां पर x के जगह क्या करेंगे, 0 प्लस h करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 बाई एच, माइनस साइन हट जाएगा, तो दिस इज 1 बाई एच माइनस 1, और ये भी हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1. देखिए यहां पर 0 प्लस एच रखने से ये आ गया. अब हम क्या कर रहे हैं अगले स्टेप में, यहां से हमारा स्टेप चेंज होगा, देखिए यहां से अब देखिए यहां पर e टू द पावर 1 बाई एच है, तो सबको हम डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करें. देखिए यहां पर एक लाइन लिख दीजिए कि न्यूमरेटर को भी डिवाइड कीजिए e टू द पावर 1 बाई एच से, इस नंबर से, ये जो नंबर है इसी से डिवाइड कर दिए,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो वी हैव लिमिट एस टेन टू जीरो, राइट, क्या हो जाएगा यहाँ से ई टू दावर वन बाई एस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ई टू दावर वन बाई एस डिवाइडेड बाई टू वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए वन अपॉन ई टू दावर वन बाई एच क्योंकि इसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा इसे डिवाइड करेंगे तो वन और ये क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन ई टू दावर वन बाई एच। अब आपको बताएं कि e टू दावर वन बाई एच का वैल्यू क्या होगा जब एच जीरो करेगा तो जीरो हो जाएगा जैसा पहले फंक्शन में किए थे। तो दिस इज वन माइनस जीरो एंड दिस इज वन प्लस जीरो तो दिस इज वन बाई वन विच इज इक्वल टू वन, राइट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल क्योंकि एल एच एल का वैल्यू कितना है, एल एच एल का वैल्यू है यहां पर हमने कैलकुलेट किया था एल एच एल का वैल्यू आया था माइनस वन, एल एच एल का वैल्यू आया था दिस इज माइनस वन एंड आर एच एल का वैल्यू आया प्लस वन, तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल क्या होगा देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके okay.